कोरोना महामारी के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर फिर से बातचीत की है। अब वैक्सीन की कीमत काफी कम है, ये कीमत 200 रुपए से भी कम होगी। देश में कोविड 19 स्थिति की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीन की कीमत अब 200 रुपए से भी कम होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। बता दें कि भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जिनमें 150 रुपए वैक्सीन की कीमत और 100 रुपए सर्विस चार्ज है। इस कीमत पर भारत में प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच केंद्र ने क्लिनिकल ट्रायल मोड हटाने के बाद राज्यों को कोवैक्सीन को लेकर पत्र लिखा है। अब लाभार्थियों को फैक्ट शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ ही सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी डोज से पहले या दूसरी डोज के 7 दिनों के बाद टीकाकरण केंद्र पर प्रतिकूल रिएक्शन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। कीमत के लिहाज से कोरोना वैक्सीन को देखें तो भारत की वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है, जबकि चीन की वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। अगर भारत से चीन की वैक्सीन की तुलना करें तो करीब 9 गुना ज्यादा महंगी चाइनीज वैक्सीन है। खबरों की माने तो जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन की मांग बढ़ रही है, इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। ऐसे में उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत भी घटी है। बताया जा रहा है कि अब कोरोना वैक्सीन की एक शॉट का दाम 160 रुपए तक हो सकता है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। अब तक 2.43 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि कोवैक्सीन अब रेगुलर आपातकालीन उपयोग में लाई जाएगी। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।